अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबका। वेलकम टू अनदर डे अनदर व्लॉग। और आप लोगों के साथ जो मेरी सुबह स्टार्ट होती है ना, जो मेरा दिन स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है किचन में। ठीक है, आज है फ्राइडे, नमाज पढ़ के आई हूँ मैं अभी। ठीक है, और अब जो है ना मैं बनाने लगी हूँ खाना। आज हमने शादी पर नहीं जाना, आज का दिन पे ब्रेक है, तो आज जो है ना वो मैं बनाने लगी हूँ बिरयानी बच्चों के लिए। बस बिरयानी बना रही हूँ और उसके बाद जा रही हूँ नीचे क्योंकि अम्मी आई हैं, उनके साथ गपशप लगाऊंगी। ठीक है, और फिर शाम को फिर कहीं और जाना है, देखें क्या करते हैं, क्या है शाम का प्लान। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और देखें कि मैं बिरयानी कैसे बना रही हूँ। बिरयानी मैं बनाने लगी हूँ, मैंने गर्म कर लिया ऑयल, अब इसमें हमारे जो है ना बिरयानी बनाने लगी हूँ। प्याज जो है इस तरह से हो चुके हैं ब्राउन, अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ लहसुन, अब इसमें डाल रही हूँ अदरक। ठीक है, करेंगे फ्राई। आज हमारी गैस भी बहुत कम आ रही है, पता नहीं क्या मसला हो गया, बहुत स्लो आ रही है। तो बस ये देखें फ्राई हो रहा है, इसके ये हालात हो गए। ठीक है, अब इसके अंदर मैं डालूंगी चिकन। और साथ ही इसमें डाल दिए ये टमाटर। 6 ग्लास मैंने लिए हैं चावलों के। ठीक है, नेशनल का लिया है बिरयानी मसाला, ये वाला 2 पैकेट ये डाल दिए। जी अभी इसने इस तरह की शक्ल तैयार कर ली है, चिकन भुना गया और इसने छोड़ और जो है ना वो घी आ गया। ठीक है, अलग हो गया घी, ये देखो। ठीक है, अब इसके अंदर मैं डालूंगी आलू। ठीक है, आलू डाल दिया और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी योगर्ट और उसके ऊपर ढक्कन लगा के इसको रख दूंगी पकने के लिए। अब ये जो है ना तो थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया, तकरीबन 1 ग्लास बस। इन टाइम जो है वो चावल भी बॉईल हो गए हैं, ये मैंने 6 ग्लास तो चावल लिए और उनके अंदर मैंने 6 चम्मच नमक के डाल के उनको बॉईल कर लिया। थोड़े से कच्चे रखे, 1 कली कच्चे, ताकि वो दम में आके हो जाएंगे। ठीक है, ये बिरयानी का जो है ना तो मसाला तैयार हो गया, अब इसकी लेयरिंग करते हैं। अब इसकी लेयरिंग करूँगी, देखती हूँ मैं रखती हूँ स्टार्ट कर देंगे, खाती हूँ कैसे करती हूँ। अच्छा जी, अब इसमें सबसे पहले डालना है थोड़ा सा ऑयल हमका। अब इसके अंदर डालूंगी मैं चावल और चावल मैं डालती हूँ प्लेट से ऐसे, ताकि थोड़ा जल्दी डाल जाते हैं। मैं खोल खोल के ना नीचे एक लेयर डाली, दूध लाओ एक कप में गर्म, इतने से चावल अंदर डाल लिए। अब इसके ऊपर लगा दिए 1 लेयर सालन की, अब फिर एक और लेयर चावलों की और अच्छी तरह उनको खोल लिए। ठीक है, और उसके बाद फिर एक और लेयर सालन की। अब इसके ऊपर ये फाइनल लेयर हो गई चावलों की और उसके ऊपर मैं डाल दूंगी बारीक कटा हुआ धनिया और पुदीना, डाल दिया बस। और अब इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे रंग। अब 1 कप गर्म दूध ले लिया और उसके अंदर मैंने डाला है तकरीबन 1/4 टीस्पून ऑफ गड्ढे का रंग डाल के उसको मिक्स कर लिया और बस इसको चावलों के ऊपर स्प्रेड कर देना। चले जब बिरयानी को लग गया दम, 15-20 मिनट के लिए दम लगाना है, उसके बाद फिर उसको खोल लेंगे। चले जी, ये मेरी बिरयानी तैयार हो गई है, स्टीमिंग हॉट रेडी। अच्छा, चावल जो होते हैं ना उनको हमेशा ऐसे पलटते, ठीक है, फॉर द बिगिनर इट्स अ टिप, इसको ऐसे करना है और इसको ऐसे 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 करना है, उस तरह फिर खुल जाते हैं। ठीक है, ये ठीक है, और हमारी बिरयानी तैयार हो गई, थोड़ा चूल्हा तेज हो गया था, लगता है लग गई है। चलो ले जी, माशाल्लाह माशाल्लाह इट्स रेडी। चलो बच्चों आ जाओ बिरयानी दी। मैं पहनी हूँ ये वाला ड्रेस, ठीक है, ये मैंने पहले भी दिखाया था अपने शॉपिंग ब्लॉग में, मैंने एथनिक से लिया था स्नेक प्रिंट, ये शर्ट है और इसके साथ ये बैगी ट्राउज़र है। सो लेट्स सी इसको मैं कैसा स्टाइल करती हूँ। चलिए जब कर लेते हैं मेकअप, मैंने अपनी स्किन कुछ तरह प्रेप एंड प्राइम कर लिया था, वो मैं फिर किसी दिन बता दूंगी। अब मैं यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन,
जो मैंने लगाई है शार्लट टिल्बरी की एयरब्रश फाउंडेशन, मेरी फेवरेट फाउंडेशन है। उसके बाद मैं फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद मैंने एनास्टासिया बेवरली हिल्स का मेकअप फिक्सिंग स्प्रे अप्लाई किया है ड्यूई फिनिश वाला। इससे बहुत ही ड्यूई सी लुक आ जाती है मेकअप के और मेकअप बहुत अच्छा सेट हो जाता है, खास करके फाउंडेशन। तो इसको भी मैंने डैम ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छी तरह इसको ना ब्लेंड कर लिया। इस तरह आप देख रहे हैं पीछे मोहम्मद अली भागा फिर रहे होंगे, वो कपड़े चेंज कर रहा था कमरे में, साथ शरारतें करता फिर रहा था। खैर इसको डैब 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 करके मैंने फाउंडेशन अपना सेट कर लिया, और जब तक सेट नहीं ना होता मेरी तसल्ली नहीं होती। खैर उसके बाद मैं फिर अप्लाई कर रही हूँ ये कंसीलर, ये मिलानी का कंसीलर है, ठीक है, मेरा फेवरेट कंसीलर है, बहुत अच्छा। तो अगर आपको शेड किस चीज़ का चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट्स में पूछ लेना, मैं बता दूंगी। इस तरह से मुझे इस वक्त याद नहीं, और मुझे जल्दी भी है, जल्दी से मैंने व्लॉग को ना अपलोड करना है क्योंकि मुझे सोना भी है। तो बस इसको जो है ना वो मैंने अच्छी तरह कंसीलर को भी अप्लाई कर लिया है, ठीक है। और उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ लिक्विड ब्लश। लिक्विड ब्लश लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि मेकअप लॉन्ग लास्ट करता है और बड़ी आपकी ना नेचुरल सी और चीकी सी फ्लशी सी लुक आती है। तो ये मैंने लिया है जी जोश का, जो कि एक पाकिस्तानी ब्रांड है, ठीक है, जूश है पाकिस्तानी ब्रांड, ठीक है। और उसका इसका शेड है लव सोल या सोलमेट, इस तरह का शेड है पीच तरह, बहुत ही अच्छा। इसकी प्राइस भी 1600 से 1700 रुपीज़ थी, ठीक है। उसके बाद मैं कर रही हूँ कॉन्टोर क्रीम, कॉन्टोरिंग कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने एनास्टासिया बेवरली हिल्स की पैलेट ली है। और मैं डार्क वाले दो शेड्स लेके ना तो अपनी अंडर द चिन और अपनी चीक्स को और फोरहेड वगैरह को मैंने लाइट लाइट सा ब्लेंड करके कॉन्टोर कर लिया। उससे ये कि बिल्कुल नेचुरल सी फिनिश आती है, ब्रश से मैं नहीं करती जब मैं इस तरह से कैजुअली कहीं तैयार होकर जा रही होती हूँ। अब मैं लगा रही हूँ लूज़ पाउडर, लूज़ पाउडर को थोड़ा सा लेके पफ पे फिर हाथ पे थोड़ा सा गिराती हूँ और उसको फिर डैप डैप करके मैंने अप्लाई कर लिया। थोड़ा सा फास्ट किया, इस वजह से आपको इस तरह से लग रहा है। आप लोग डिटेल्ड मेकअप ट्यूटोरियल्स देखने के लिए ना मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें, वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा मेकअप ट्यूटोरियल्स डालती हूँ। फिर उसके बाद मैं आंखों पे अप्लाई कर रही हूँ। पहले मैंने एक येलो शेड लेके क्रीज़ को बिल्ड किया था और फिर एक थोड़ा सा डार्क शेड लेके ना क्रीज़ के अंदर दोबारा फिर लगाया था, तो आंख को डिफाइन करने के लिए बस। और बाकी थोड़ा थोड़ा खाली ब्रश जो है ना मैंने पूरी आँख के ऊपर मल दिया था, उससे एक आँख के ऊपर ना एक फ्लैश ऑफ कलर आ गया, ठीक है। और अब मैं कर रही हूँ अपनी आईब्रोज़। आईब्रोज़ को पहले मैंने स्पूली ब्रश से जो है ना वो ब्रश किया था, फिर मैं इस ब्रश से इनको बना रही हूँ। और इसके लिए मैं यूज़ करती हूँ रिवाज कॉस्मेटिक्स की, मेरे पास आईब्रो पैलेट है वो, और वो मैंने कर लिया है अप्लाई करके। और उसके बाद जो है ना वो मैं लगा रही हूँ आईलाइनर। आईलाइनर मैंने यूज़ किया था कराजा का, ठीक है, विंग बना के। तो बस मैंने लाइट लाइट सा ना आँखों को एक डिफाइंड सी लुक दे दी थी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मोटा ही लग गया था, लेकिन अच्छा लग रहा था, ठीक है। आईलाइनर लगाया, एक आँख पे लगाया, दूसरी आँख पे आप लोगों के सामने लगाया, ठीक है। उसके बाद फिर मैं कर रही हूँ अपनी आईलैशेस को कर्ल। मस्कारा लगाने से पहले आईलैश को ज़रूर कर्ल किया करें, उससे बड़ी अच्छी लैशेस कर्ल रहती है और मस्कारा भी बड़ा लॉन्ग लास्ट करता है और आँखों की ना बड़ी ड्रामेटिक सी लुक आती है। तो ये मस्कारा मैंने यूज़ किया था लश्कारा मस्कारा, ये जेफ फाइड का है, ठीक है, बहुत अच्छा मस्कारा है और पाकिस्तानी ब्रांड है। और उसके अलावा जो है ना वो लॉन्ग लास्टिंग भी है और बड़ी इसकी लेंथ शेप दे देता है और वॉल्यूम भी दे देता है। उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ ब्लश ऑन पाउडर ब्लश, जो के है बीएच कॉस्मेटिक्स की, ये पैलेट ही मेरी फेवरेट पैलेट है और इसके अंदर सारे शेड्स भी बहुत प्यारे हैं। ये पाउडर फाउंडेशन बहुत पाउडर ब्लश ऑन बहुत देर तक लास्ट करता है। इस वजह से मैंने दो शेड लिए थे, एक पीच और एक लाइट सा पीची पिंक सा, दोनों को मिक्स करके मैंने अपने चीक्स पर लगाया है, थोड़ा सा नोज़ पर लगा लिया है, उससे ज़रा थोड़ी सी ना फ्लैश ऑफ कलर आता है, प्यारा सा क्यूट सी लुक आती है। अब एनास्टासिया बेवरली हिल्स की पाउडर कॉन्टोर किट ली और उससे मैं दोबारा फिर अपने जो क्रीम कॉन्टोर है ना उसको पक्का कर रही हूँ, ताकि मेरा फेस मज़ीद जो है ना वो लगे कॉन्टोर्ड, ठीक है। और उसके बाद जो है ना बस फिर मैंने अपने नाक को भी थोड़ा सा कॉन्टोर कर लिया है। आजकल मैं नाक की कॉन्टोरिंग सही नहीं करती हूँ, मेरा नाक पतला लगने के बजाय ना मोटा लगने लग जाता है। खैर जल्दी में इतने बड़े ब्रश से करूँगी तो ये कुछ ही होगा। अच्छा उसके बाद फिर मैं अप्लाई कर रही हूँ ये अपने हाइलाइटर्स। ये दो हाइलाइटर्स हैं फेंटी ब्यूटी के, दोनों ही बहुत अमेजिंग हैं। एक थोड़ा सिल्वर शाइन वाला है और एक थोड़ा सा पिंक शाइन वाला है। दोनों को लाइट लाइट मैं अपने फिंगर से ही अप्लाई कर लेती हूँ, उससे शिमरी सी शेड आ जाती है। लो जी मेरे तो कपड़े भी चेंज हो गए, मैंने वो ड्रेस चेंज कर लिया। ऑल दो मैंने वो नया ड्रेस ही निकाला था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अपना आप अच्छा नहीं लग रहा था। कभी कभी किसी किसी दिन ना कोई ड्रेस और कोई मौके के हिसाब से अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने अपना ये ब्लैक ड्रेस जो है ना ये पहन ली। और अब मैं बालों को कर रही हूँ स्ट्रेट। ये मेरा सना सफीनास का ड्रेस है, वो एथनिक का था। इस ड्रेस की डिटेल्स जो है ना मैं अपने स्टिचिंग स्टाइल्स वाले जब डालूंगी ना कपड़े उसमें डाल दूंगी। आज मैंने बहुत जल्दी में चेंज किया क्योंकि मैं लेट हो रही थी, मैंने जाना था तो उसमें जल्दी जल्दी मैंने पहन लिया। और उसके अलावा मैंने एक और कॉन्टेंट वीडियो भी बनानी थी अपने इंस्टाग्राम के लिए, तो मैं बहुत हरी में थी। खैर ये देखिए मैंने अपने बाल जो है ना बना लिए और अब मैं लगा रही हूँ लिपस्टिक। मेकअप पूरा हो गया क्योंकि मैंने आज शावर नहीं लिया था, तो मेरे बाल में चिपके हुए लग रहे थे, मैं दिल कर रहा थोड़ा सा बांध दूँ। और आजकल आपको पता है कि इस तरह के स्लीक से हेयर स्टाइल्स का ना बहुत ज़्यादा फैशन भी है, तो मैंने दो ये लिपस्टिक्स लगाई थी
एक ही मेबेलिन की लिपस्टिक जो है ना पावर सुपर स्टे बहुत अच्छी है, दूसरी मेबेलिन की वाइनल है जो वो है, शेड्स भी पूछ ले जिसको चाहिए हो वो बता दूंगी मैं। ये मेरी फुल लुक है ठीक है, ड्रेस मैंने पहन ली है, स्वेटर मेरा ब्रेकआउट का है, मैंने लास्ट डे लिया था, शूज़ तो अलसिस शूज़ से मैंने लिया है लिबर्टी मार्केट से, और सूट सना से फिनिश। चलिए जी अम्मा निकल आए घर से, तैयार हो गए थे सब, मैंने हेयर स्टाइल किया था आप लोगों को दिखा दिया, और मैंने अपने स्वेटर पहने हैं, मेरे हस्बैंड आज हम एक्सीडेंटली एंड कोइंसिडेंटली मैच हो गए हैं ब्लैक में, क्योंकि सुबह से ये गए हुए थे आज अपने एक फ्रेंड के बर्थडे पे शाम को हैटी पे, तो ही वॉज वेयरिंग ब्लैक शलवार कमीज और मैंने पहले वो ब्राउन ड्रेस पहना है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे तैयार होते वक्त वो अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने फिर ये चेंज कर लिया और फिर हम पे मैच हो गए माशाल्लाह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सो ये बच्चे मोहम्मद अली ने रेड स्वेटर पहना है, मोहम्मद अहमद बैठा है पीछे, लग रहा है पीछे बैठी तो नजर नहीं आ रही, आंटी मुझे नहीं पता चलता दरख्तों का। देखे ये जो सारों को लगता है इतने आसान व्लॉग्स हैं और इतने ज्यादा, ये देखे इनके पीछे कितनी मेहनत है, और अभी मैं मेहंदी का ही व्लॉग एडिट कर रही हूं और वो अपलोड कर रही हूं, एज यूजुअल मैं सबसे लेट अपलोड हो रहा है, फातिमा व्लॉग एडिट कर रही है बेचारी बैठी हुई, देखो अपलोड कर दिया अपना, नहीं मैंने भी करना है अभी थोड़ा सा एडिटिंग रह गई, आगे पीछे ही अपलोड होगा, हां जाके करो कुछ एडिटिंग करती है, देन बैठी हुई है, ये फ्रेंड्स मिल गई है, बिच्छू डाल मिल गई है, गैना भी तो देखो गैना बहुत बातें कर रही है दोनों सहेलियां, नरे फूफू पांडा लग रही है, अरे बात भी देखो मेरा ऑपोजिट पर्सन लग रहा है, नहीं नहीं और ये हमारी प्यारी सी अस्मारा आई हुई है साथ है ना, अस्मारा और ये मैं हूं, और ये मैं हूं इतना तैयार होके आई हूं आज फातिमा से मिलने आई हूँ ना, वैसे शादी वाले घर में तैयार होना चाहिए तो और क्या, पहले पता मेरे और कपड़े पहने थे, बोलो अंदर पूरा बेया है तो और सरल पूरे बॉडी नाल देख, तो क्या आंटी ले लो इतना क्या कर दिया मैंने, फोन आए क्या कर रहे हो, चले भाभी जान आप भी ले ले, नहीं एयर ड्रॉप कर रही, मैं अपनी तस्वीरें ले रही, और हम आज आए हैं फैसल भाई के घर और इकरा को शादी की मुबारकबाद देने और उसको गिफ्ट वगैरह देने के लिए, और ये इन्होंने इतना अच्छा हमारे डिनर का बंदोबस्त किया, ऑल्दो सारे खाना खा के आए थे पर इन्होंने बहुत ज्यादा इन्होंने तकल्लुम कर लिया है, पुलाव बिरयानी शिरयानी सब इतना कुछ बना लिया है, ये सब देखे मेहमान अब खाना खाएंगे, हम सब आए हैं और ये हूँ मैं, मतलब अब्बा को जाना तो मेरी दादू ही लगी ना यार, क्या रिश्ते को डेडिकेटेड कर रहा है, और जो बाकी सब है ये सब उनके बच्चे हैं, सब कजन्स हैं आपस में, सब उनके बच्चे हैं, ये सारे उनके बच्चे हैं, ये सारे बेसक भालू बन गई है, शादी हो रही है, बहुत खुश रखे, मैं तो हर वक्त आपको जादू बनाऊंगा, रहने दो अब नेक्स्ट जो है ना इकरा की बारात है, और लेट्स सी हम तो इतने दिनों से तैयारियां कर रही है सारी फैमिली इकरा की शादी की, और अल्लाह मेरा खुश रखे, और देखो हम कल कैसा तैयार होके आते, दुल्हन ज्यादा हमें अपनी फिक्र होती है कि हम तैयार हो जाए और टाइम पे पहुंच जाए, आ चुके हैं सब और खाना खा के फारिग हो चुके हैं, फैसल भाई आप हमें चाय नहीं पिला रहे आज, आपने तो हमें बड़ी अच्छी चाय बना के पिलाई थी मुझे याद है ना, कैमरा रात नहीं रहना आंटी हमने इधर फाजा भी आंख आंख के देख रही है कैसे ना कभी मिल क्या खा रही हो आजकल, कहते हैं कि जो आपने खाया आज फातिमा ने मुझे बड़ी टिप्स दी है व्लॉगिंग पे, चाय लग रही हूँ, मैंने कहा आज आपने मुझे व्लॉगिंग पे बहुत टिप्स दी है, थैंक यू सो मच, और फाइनल प्रो कट भी मैंने सीखा आपसे, अब मैं लूंगी ना ये आई मैक, फिर आपसे सही वाली क्लास लूंगी, कुछ कुछ मुझे चीजें समझ आ गई, ठीक है ना, आप भाग ना जाना, नहीं इधर ही हूं, ये रहो जब तक मैं आई मैक लू आपको अपनी मिस खाती स्टीमिंग हॉट, और फैसल भाई ने तो नहीं बनाई लेकिन ये अदरा भाभी ने बनाई है शायद, है ना, स्टीमिंग हॉट चाय।
हम अब निकल आए हैं यहाँ से, जा रहे हैं अपने घर, किसी का उठने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन जो घर उससे उन्होंने सोना है सुबह, उन्होंने बारात, दुल्हन की बारात है कल, उन्होंने जाना है सबने अपने अपना, और हमने भी सुबह उठ के तैयार होना है। तो जी अब हम निकल आए हैं यहाँ से, ठीक है। तो पहले उन्होंने घर अपना डेकोरेट किया हुआ ये सारा, और सब निकल रहे और गाड़ियों में बैठ रहे। ये गाना देखिए, प्यारी सी बन के खड़ी थी, कैसे खुश करना लगा रही है। चौधरी साहब आपने सलवार कमीज को अपना ड्रेस कोड ही बना लिया है। फिर आपको मैंने एग्री कर लिया है इतने सालों बाद सलवार कमीज पहनने पे। ये मेरी सोबत का असर है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, तो और किसका होना, तुम्हारा ही होना है। बिल्कुल, मैं जा रही हूँ। ये खाला भांजी को देख ले जी, बहुत ठंड में आ रही है। गुप्पी भी आ रही है। लोग गुप्पों को बुटोड़ा गलत कहते हैं, लेकिन मैं अच्छी गलत नहीं। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। ओके फैसल भाई, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर कल सुबह। थैंक्स फॉर डिनर, थैंक यू फॉर द अमेजिंग डिनर। थैंक यू वेरी मच, आपका शुक्रिया कि आप आए, बहुत मजा आया। यू आर मोस्ट वेलकम। तो हमें आके और ध्यान से जाएं, मुड़ के जाना दूध पड़े तो मुझे बता दो, बाहर निकाल लूंगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। चलें जी, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं अपने घर की तरफ, ठीक है। और बहुत अच्छा रहा आज का दिन भी, तो बाकी बात करते हैं घर जाके। अब ये शादी वाला घर है, चलें जी। ओके फैसल भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। तो बहुत पहले से जाया है।